सो वेलकम बैक अगेन गाइज। और आप यहाँ सोच रहे होंगे मैंने रोज लिखा है और फिर टू लिखा है, ऐसा क्यों? वैसे आप थंबनेल में देख के जान ही गए होंगे कि आज हम यहाँ पे सीखेंगे डिफरेंट तरीके के लीव्स। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक डहेलिया का लीव बना के दिखाया था कि जो कि ये मैंने बनाया था, इसको कैसे बनाना है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। तो मैंने पहला नंबर डहेलिया का दो तरीके से लीव बना के दिखाया था, ठीक है, जिससे मुझे पूरे 10 मिनट्स लग गए थे आपको सिखाने में। सो वीडियो बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपको रोज बना के दिखाऊं, रोज का लीफ बना के दिखाऊंगी कि हम जो आलेखन में रोज बनाते हैं, मतलब गुलाब बनाते हैं अपने आलेखन में, उसके पत्ते कैसे बनाने हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम गुलाब के पत्ते बनाना सीखते हैं। तो कैसे बनाना है वो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। सो वैसे जब भी आप बनाते हो तो वैसे गुलाब की डंडी तो बनाई रहती है, तो पहले मैं यहाँ डंडी बनाऊंगी फिर अलग अलग उसकी लीव्स बनाऊंगी। सो मैं यहाँ एक टाइप की ही गुलाब की लीव बना के दिखाऊंगी, कैसे बनता है वो आप मेरे साथ साथ सीख सकते हैं। सो गाइस अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी वीडियो है वो हर दिन शाम को 5 बजे आती है। अगर आप चाहो तो रेगुलर हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारी वीडियोस जो होती है वो तो प्राइम होती हैं, तो आप डायरेक्ट उसमें मुझसे लाइव पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है आपको और कैसे कहीं डाउट आ रहा है तो वहाँ पे, क्योंकि शाम को 5 बजे मैं खुद प्राइम रहती हूँ और मैं अपनी वीडियोस को खुद वॉच करती हूँ, देखती हूँ कि कौन बच्चे हैं जो आए हैं और क्या उन्हें डाउट है, तो मैं वहाँ आपको डायरेक्ट प्राइम में ही आपको रिप्लाई करके बता सकती हूँ, ठीक है। सो आप चाहो तो डेली शाम को जब मेरी वीडियो प्राइम होती है तभी आप आके देख सकते हो वीडियोज़ को, डेली शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिलेगी। सो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे ये एक डंडी बना ली है, वो जो गुलाब की डंडी जो आप नॉर्मल आलेखन में बनाते हैं वही है। सो यहाँ पे डंडी मैंने ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी बनाई है, वैसे आपका आलेखन डिसाइड करेगा कि आपकी डंडी कैसी जा रही है। सो यहाँ पे आपको पत्ते सीखने थे इसलिए मैंने थोड़ा सा शेप देते हुए इसकी डंडी बना ली। फिर यहाँ पे ये वाली जो शेप है ना वो मैंने पत्ते के लिए दिया है शेप। तो कैसे देना है देखिए, ये तो आपने अंदर की जो डंडी होती है पत्ते की वो दिखा दी है और जो मेन स्टेम है उससे लगी हुई है। आगे हम इसमें 5 पत्ते बनाएंगे। सो यहाँ से मैंने 2 पत्ते ये दिखा लिए, एक पत्ते यहाँ बनाऊंगी और सेम बगल में ये पत्ता भी बना लेते हैं। सो मैं थोड़ा सा पेज को टर्न करूंगी बिकॉज मैं यहाँ थोड़ा स्टेबल बैठ गई हूँ। सो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आप ये मैं सोचेगा कि मैं आपकी रिप्लाई नहीं करूंगी बिकॉज मैं बहुत हद तक ट्राई करती हूँ कि लोगों का रिप्लाई करूँ, तो आप हमें कमेंट करके बेसिकली पूछ सकते हैं कोई भी आपको डाउट आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है ड्राइंग बना रहा है तो अच्छे से करे बिकॉज उसकी भी कुछ है कि उसे भी अच्छे नंबर चाहिए। सो मेक श्योर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 और यहाँ पे जो लीव बनेगी 5 5 लीव के लिए मैंने स्पेसेस बना लिए। सो जब भी आप गुलाब का आलेखन बनाना तो पहले तो डंडी बना के सारे लीव्स के स्पेस बनाते जाना। सो आप चाहो एक एक लीव भी बना सकते हो फिर स्पेस छोड़ सकते हो, अदरवाइज चार सारे के सेम दे करके फिर उसके बाद लीव को ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए लीव कैसे ड्रॉ करना है ये वाले टेक्निक यूज करिए आप। सो देखो अगर आप डायरेक्ट पहले ही ये वेन्स देने लगोगे इसके तो ऐसे ऐसे देते थे तो सही तो बनता नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं, तो उसके लिए आप ये तरीका यूज करो। और हाँ ये जो होता है ना लीफ ये थोड़ा सा स्ट्रेट जाएगा, ओके, बिकॉज गुलाब के जितने भी लीव्स हैं वो लगभग मैंने बहुत बार आलेखन्स में देखे हैं वो स्ट्रेट ही रही हैं। सो आप चाहो अपने हिसाब से कोई नया शेप देना तो दे सकते हो, बट मैंने अगर आलेखन के हिसाब से देखूँ तो कुछ ऐसा ही लीव्स रहता है उसमें। सो मैं आपको बेसिकली जो हम आलेखन में यूज़ करते हैं वही वाला बताऊंगी, कुछ अलग नहीं बताऊंगी जिससे आपका भी कोई घाटा ना हो। तो ये हो गया शेप। सॉरी ये वाला गलत हो गया, इसे रब कर दीजिए। ये हो गए हमारे गुलाब के जो लीफ बनाने थे, मैंने उसके सारे शेप्स तैयार कर दिए हैं। तो अब इसके अंदर वो जो हमारे कटे वाले पार्ट्स होते हैं वो ड्रॉ करने हैं, तो मैं सारा एक साथ ही ड्रॉ करूंगी फिर रब करूंगी, बिकॉज अलग अलग बना के रब करो तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे इसमें और भी सारे आपको फ्लावर्स के पत्ते बना के दिखाने हैं। सो दैट्स वाई इसलिए मैंने एक ही साथ बना के दिखाऊंगी आपको, ऐसे कुछ करते हुए आपको शेप ड्रॉ कर देने हैं। यहाँ ऊपर से अगर बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे करके। ये लीफ यहीं पे खत्म कर दीजिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा चली गई है ना। सो आप जब बनाते रहोगे तब आपको समझ में आएगा कहाँ पे लीफ को एंड करना है कहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाली पार्ट रब हो गई हमारी, ठीक है।
आप जब भी सीख रहे होते हो कोई चीज बनाना, तो एक बार पहले वीडियो को देखा करो, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो को चलाया करो, और फिर दोबारा आप उसको उस वीडियो के साथ साथ में ही ड्रॉ किया करो। ओके, इससे ये होगा कि आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और आपकी जो चीजें हैं वो भी सुधर जाएंगी ना। तो अगर आपको सीख रहे हो तो शिद्दत से सीखो, बिकॉज बिना एफर्ट लगाए तो कुछ होता नहीं है ना। ये देखिए, ये शेप हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं ना, बिकॉज शेप इसलिए, अगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर हमारा जो पार्ट है वो अच्छे से जाएगा नहीं और लीफ का शेप नहीं दिखेगा। तो मेक श्योर आप प्रॉपरली अच्छे से बनाया करो। सो अभी जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स है ना, उसे मैं रिमूव कर देती हूँ। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स मैंने बना रखे थे उसको मैंने रब कर दिया है, जो हमारे 5 लीव्स हैं सारे में मैंने रब कर दिया है। और फिर जो हमारा अब इंटरनल वाला उसका जो नसें होती हैं उसे बनानी है। सो वही वाला हमारा टेक्निक होगा। ये ऐसे करते हुए आप आगे की ओर लाओ और बनाते जाओ। आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको नहीं आएगा और आलेखन अच्छे से बन नहीं पाएगा। सो मेक श्योर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी सारे एलिमेंट्स बना रहे हो वो सारे एलिमेंट्स आप अपने एक एक करके सीखते जाओ। पहले आप सारे आलेखन के एलिमेंट्स सीख लो, फिर उसको स्टेबल कर दो अपने आलेखन में। इजी है, सिंपल है ना। आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, नंबर भी बहुत अच्छा गेन कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नंबर आपको ही देने के लिए रखे गए हैं एग्जाम में। तो मेक श्योर आप अगर अच्छे से सीखोगे तो बहुत अच्छा सा आप लीव्स आलेखन में बना पाओगे। वेल, इस बार मैं सारा लीव्स बना के आपको दिखा दूंगी, और फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कलियां या फिर आलेखन में जो स्पेस कवर करने के लिए हम डिजाइन्स बनाते हैं ना, डिजाइनिंग पैटर्न्स, उन सारी चीजों को मैं बना के दिखाऊंगी। सो ये हो गया हमारा रोज। अब फटाफट से हम बनाते हैं हमारा नेक्स्ट वाला लीफ, नेक्स्ट वाले फ्लावर का लीफ। बिकॉज इस वीडियो में मैंने मैंने आपको कहा था कि मैं सारे जो भी पॉसिबल होते हैं जो आलेखन में हमारे फ्लावर्स आते हैं उनके सारे के लीव्स मैं बना के दिखा दूंगी। सो एक सनफ्लावर है, लोटस है और कनेर है। सो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे बनाना है। सो यहाँ पे थोड़े से स्पेस है तो मैं यहीं पे आपको लोटस का लीफ बना के दिखा देती हूँ कि लोटस के लीव्स कैसे बनेंगे। सो मेरा 3rd नंबर का फ्लावर है लोटस। लोटस मीन्स होता है आपका कमल, ठीक है, जो बच्चे हिंदी समझते हैं उनके लिए भी और जो इंग्लिश का है उनके लिए भी, ठीक है। सो ये लोटस और ये है गुलाब। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, हिंदी की राइटिंग, सो आप मैनेज कर लेना। ये गुलाब लिखा है मैंने और ये लिखा है कमल। सो कमल के 2 तरीके के मैं लीव्स आपको बना के दिखाऊंगी। सो फटाफट मैं कमल की लीव्स आपको बना देती हूँ। इसमें हमारा डायरेक्ट जो भी शेप बनेगा वो डायरेक्ट शेप बनता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है कि आपको रब वगैरह करना होता है, तो ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। सो ये हम छोटी सी लीफ बनाए, फिर यहाँ पे एक हल्का सा गोल शेप देते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हो गया गोल शेप। फिर यहीं से ये जो गड्ढे वाले पार्ट है ना, इसी में से आपका निकलेगा लीफ, कमल की जो पत्ती होती है वो, ठीक है। फिर ये आगे की ओर नीचे फिर बढ़ जाएगा। सो ये हो गया हमारा, अभी हाफ पार्ट बना है लीफ का, अभी यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहीं से आगे आप कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे करके कुछ लीव्स ड्रॉ करते हैं हम। हो गया लीफ। सो ये हो गया कमल का लीफ। ये वैसे भी ये 2 तरीके का लीफ है, तो सेकंड टाइप का लीफ है। वैसे मुझे पता होगा कि आपको ये उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ये दूसरे टाइप का लीफ है तो मैं क्या करूँ। अगर मैं एक और टाइप की लीफ बनाऊँ तो वो मैं इसके बैक साइड पे बना देती हूँ। सो ये हो गई हमारी सेकेंड टाइप की लीफ, लीफ नंबर बी। तो ये भी बहुत इजी बनता है, कैसे बनाना है जस्ट आप देख सकते हो। सो सबसे पहले हम इसमें ऊपर का पार्ट ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, इमेज लाइक दिस, हल्का सा झुकाते हुए ऊपर उठाना है, फिर एक 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 स्ट्रोक ड्रॉ हो गया, फिर नेक्स्ट स्ट्रोक इसी में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत आराम आराम से बना के दिखा रही हूँ, बिकॉज इसलिए मैं बना के दिखा रही हूँ ताकि अगर मैं एक बार आपको लिप्स सारे बना के दिखा दूंगी, जिससे ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि लिप्स सारे बनते कैसे हैं। तो जब आप आलेखन सीख रहे होगे तो वहां पे बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो ये वाला शेप मेरा बिगड़ चुका है, तो इसको मैं रब कर दूंगी। आपका भी शेप अगर बिगड़ जाए तो आप रब कर लेना, ऐसे मत छोड़ना, ठीक है। ओके, सो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। इसको हम, ये हमारा बीच वाले पार्ट में आएगा।
देखो दोनों का जो शेप है ना, तो जस्ट बीच वाले पार्ट में आप एंड करोगे तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब इसके आगे ये कंप्लीट करो यहाँ से लाइक दिस, एंड देन इसका डंडी। ये बहुत बड़ा मैंने आपको बना के दिखाया, इतना बड़ा नहीं बनाना है आपको, मैं कई बार कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ लीव्स बना के दिखा रही हूँ, तो मेरी मजबूरी है कि मैं आपको बड़ा बना करके दिखाऊं, बट उतना बड़ा आपको नहीं बनाना है एग्जाम में, आपको अपने आलेखन के हिसाब से बनाना है गाइज। तो मेक श्योर ध्यान रहे, इतना बड़ा भी मत बना देना कि एग्जामिनर सोचते रह जाए कि क्या किया है इसने। ओके सो ये हो गया हमारे डिजाइनिंग्स। तो इस तरीके की लीव्स हमारे लोटस में बनती हैं, और आप चाहो तो इसे मिला सकते हो। वैसे मेरे आलेखन आते रहेंगे तो मैं आपको अलग अलग तरीके के और भी उसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो मैं बना के दिखाते रहूंगी। सो आप टेंशन मत लेना कि सिर्फ दो ही तीन तरीके के बना के दिखाए, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको आलेखन के अंदर ही दिखाते रहूंगी। सो अभी फिर से मैंने क्लास 9th के लिए स्टार्ट किया है कि जो क्लास 9th में बच्चे हैं, जो बिगनर बच्चे हैं, उनके लिए कैसे बनाना है आलेखन। सो अभी मैं बहुत इजी इजी आलेखन आप सभी लोग को बना के दिखाऊंगी, जो क्लास 9th के बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक क्लास 10th के लिए बहुत सारा बनाया है। सो क्लास 10th वाले बच्चे ने तो बहुत सीख लिया है, और अब बारी है क्लास 9th वाले बच्चों की। सो क्लास 9th वाले बच्चे हो जाए रेडी, क्योंकि अब हमारे चैनल पे क्लास 9th से रिलेटेड जितने भी आलेखन होंगे, स्मृति चित्रण और जो ह्यूमन आर्ट होता है वो सारे आने वाले हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। सो अब हमारा फोर्थ टाइप का है कनेर, कनेर बनाना है। तो कनेर के लिए आप, मैं एक ही तरीके का लीफ दिखा दी कैसे इसमें बनाते हैं कनेर। सो ये हो गया हमारा कनेर, कैसे डू लाइक दैट। इसमें भी अंदर वाले पार्ट्स बना लेंगे, और ये बहुत सिंपल होता है गाइस। अगर आपके एग्जाम में कनेर आया है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप कनेर चूज करो, बिकॉज कनेर बहुत ज्यादा इजी होता है बनाने के लिए। बस सिंपल है, बन गया। ऐसे कनेर की लीव्स बनती हैं। सो ये हो गई कनेर की लीव, आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी करके बना सकते हो, ऐसे करके भी बनता है लीव इसका, ये टेढ़ी वाली लीफ होती है। तो ये हमारा अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या चीज़, मतलब अगर लीफ वहाँ पे मुड़ सकती है तभी बनाना है, ऐसा नहीं है कि लीफ मुड़ी नहीं और मुड़ने का स्पेस नहीं और मुड़ा दिए चले, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये भी होती है हमारी कनेर की ही लीफ। तो दो तरीके की मैंने कनेर की लीफ बना दी आपको, ये ए टाइप हो गया, ये बी टाइप हो गया। सो अभी ये हो गया कनेर का लीफ, और मैंने यहाँ पे आपको बना करके दिखा दिया है। सो मैंने यहाँ पे आपको रोज और लोटस के दो तरीके बना के दिखा दिए हैं, और ये जो डहेलिया वाला था ये भी मैंने आपको बना के प्रीवियस वाली वीडियो में दिखाया था, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और रोज का, लोटस का हो गया, और इधर कनेर का हो गया, तो चार तरीके के मैंने आपको फ्लावर्स के बना के दिखा दिए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में, अभी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको सनफ्लावर का लीफ बना के दिखा दूंगी, या फिर मैं आपको आलेखन के अंदर ही बहुत आराम से सनफ्लावर का लीफ बना करके दिखा दूंगी। सो पांच तरीके के आपके लीव्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कलियां। सो कली भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके दिखाऊंगी, और अगर जब वो कली की वीडियो बन जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आ जाएगी, बिकॉज आपको लोग को ज्यादा ना ढूंढना पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि पहले सारी चीजों को बेसिक स्टार्ट करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे सारे आलेखन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप हमें ये भी नोटिस करिएगा कि आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको और किस चीज की जरूरत है, जैसे कि आलेखन में क्या क्या आप चाहते हो, कैसा क्या आपको नीड है, वो चीज आप हमें बताओ, तो हम आप आलेखन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं वो आप हमें बता सकते हो, और उस पर हम वर्क करने का जरूर ट्राई करेंगे। सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। अगर आप चाहते हो कि आपका ये चैनल ग्रो करे तो आप इस चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ताकि वो बच्चे भी सीख पाए और आगे बढ़ पाए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।